दोस्तों आज हम बात करेंगे महान एथलीट जिन्होंने दुनिया में भारत को एथलीट में एक नई पहचान दिलाई। हाँ आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं मिल्खा सिंह जो कोरोना के कारण अपनी ज़िंदगी की दौड़ हार गए। इस नाम की कहानी के पीछे बेहद दिलचस्प है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। मिल्खा सिंह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, तो हम आज बात करेंगे मिल्खा सिंह की 10 दिलचस्प बातें जो उन्हें महान और औरों से और बहुत अलग बनाती है। मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के लायबुर 8 अक्टूबर 1935 में हुआ, जहां बाद में भारत पाकिस्तान के दंगों के कारण उन्होंने अपने माता पिता और अपने कुछ रिश्तेदारों को खो दिया। उसके बाद वो भारत आ गए। उसके बाद वो सुर्खियों में तब आए जब उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय खेल के दौरान उन्होंने 200 मीटर की रेस 21.6 सेकंड में और 400 मीटर की रेस उन्होंने 45.9 सेकंड में पार की। सन 1951 में EME सेंटर में जब पता चला कि वो मिल्खा सिंह ट्रेनों के साथ प्रैक्टिस किया कर सकते थे, ट्रेनों के साथ वो दिन रात मेहनत किया करते थे, और उसके बाद उनका सपना था कि वो आर्मी में सिलेक्शन हो, लेकिन 3 बार उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन वो 4th बार कामयाब हुए और आर्मी में उनका सिलेक्शन हुआ। रोमो ओलंपिक के फाइनल मैच में मिल्खा सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जिसका पछतावा आज भी उन्हें होता है। फाइनल मैच के अंदर ओटिस डेमिनी 44.7 सेकेंड, कैमोफेन 44.8 सेकेंड, मेल स्पेंस 45.4 सेकेंड और मिल्खा सिंह 45.6 सेकेंड के साथ कांस्य पदक के साथ जीते, जिनका पछतावा आज भी उन्हें होता है। मिल्खा सिंह को पाकिस्तान के द्वारा रेस के लिए ऑफर किया गया, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान में रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने अब्दुल खालिक पाकिस्तान के रेसलर को हराकर वहां अपना नाम रोशन किया, जहां उन्हें वहां के जनरल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख का नाम दिया, वहीं सिंह का नाम फ्लाइंग सिख पड़ा। मिल्खा सिंह के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी उनके पैर में खून आ जाने पर भी वे दौड़ते रहते थे, वो रुकते नहीं थे और लगातार दौड़ते रहे। पान सिंह तोमर जो वो भी एक रेसर हुआ करते थे, वो उनके जूनियर थे, उनको भी मिल्खा सिंह ने एक बार हराया था। सन 1958 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया तथा वो अपनी दाढ़ी और अपनी पगड़ी के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। मिल्खा सिंह के नाम पर बनी मूवी भाग मिल्खा भाग मात्र 1 रुपये में राकेश ओम प्रकाश जो उस मूवी के डायरेक्टर थे डायरेक्ट की थी। मिल्खा सिंह तब फेमस हुआ करते थे जब कोई सुविधा किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी, और उन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रेस की, जिसमें से उन्होंने 77 रेसों में विजय हासिल की।